पिचरी बोर्ड देखते हैं, स्पेशल पिचरी बोर्ड है फ्रॉम द नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ग्रैंड फिनाले मैच है, ऐतिहासिक मैच है ये, और इस स्टेडियम में 130,000 लोग आपको इस इतिहास को गवाह बनते हुए देखेंगे। सब आएंगे, इवन जो अपने प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी सर, वो भी आपको स्टेडियम के अंदर देखेंगे, जिनके ऊपर यह नाम पे स्टेडियम रखा गया है। तो इस वेन्यू के ऊपर 10 नवंबर को लास्ट मैच खेला गया था, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था। क्या होता इस मैच के अंदर उसकी बात करते हैं, हुआ कुछ नहीं था। पहले आती अफगानिस्तान की टीम बैटिंग करने, 244 बनाती है 10 विकेट गवा के। फिर आई यहाँ पे साउथ अफ्रीका चेस करने, उन्होंने 5 विकेट गवाया, 48 ओवर के अंदर टारगेट चेस किया, करीबन 15 बॉल रहते। फिर इससे पहले यहाँ पर एशेज बैटल हुई थी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जिसके अंदर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, 286 बनाती है 10 विकेट गवा के। फिर चेस करने आती है इंग्लैंड की टीम, ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 286, समझ आता हूँ, इंग्लैंड आती 253 बनाती है, सिमट जाती पूरी टीम। फिर इससे पहले 191 बना, ये भारत पाकिस्तान का मैच था, वन साइडेड गेम था, पाकिस्तान 191 पे सिमट जाती है, टीम इंडिया 31 ओवर के अंदर चेस कर जाती है। उससे पहले सीजन ओपनर मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, जिसके अंदर इंग्लैंड 282 बनाती है 9 विकेट गवा के, डेवन कॉनवे रचिन रविंद्रा आते हैं 36 ओवर के अंदर पूरा मैच खत्म कर जाते हैं और 9 विकेट से मैच को जीतते हैं, सिर्फ 1 विकेट गवाया था। तो जो वेन्यू ना, ये वैसे बहुत अच्छा वेन्यू माना जाता है चेस के लिए। ये देखो आप, इससे पहले 248 बना टारगेट चेस 47 ओवर्स के अंदर, 117 बना टारगेट चेस 36 ओवर के अंदर। जो पिछले यहाँ पर 8 मैचेस हुए हैं उसके अंदर बैटिंग फर्स्ट 1 मैच जीता गया है, चेस करते हुए यहाँ पर 7 मैचेस जीते गए। तो आप समझ सकते हैं ड्यू फैक्टर भी आएगा। जी हाँ, अपने गुजरात साइड एरिया के अंदर ड्यू फैक्टर आ रहा है, सर्दी का मौसम हो चुका है, इस वजह से आपको ओस आती हुई दिखेगी दूसरी पारी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी टीम टॉस जीतती है उसको सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला करना है, चेस करिए। मैं मानता हूँ प्रेशर गेम है, रन होना बहुत अच्छा होता है, बट जो कंडीशन है ना वो डिमांड कर रही है, जो टीम चेस करी उसको एडवांटेज मिली है। एक मैच जीता गया सिर्फ बैटिंग फर्स्ट 8 मुकाबलों में। इंडिया इस वेन्यू पे 3 मैच खेली, तीनों जीती, ऑस्ट्रेलिया का 1 मैच खेली और जीती है। जो लास्ट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का 10 तारीख को, उस मैच में 7 विकेट पेसर का था, 7 विकेट वहां पे स्पिनर्स का था। अब चलते हैं जो विकेट कॉलम है वो क्या कह रहा है। लास्ट 8 मुकाबलों के अंदर पेसर्स ने 63 विकेट निकाला है, क्लियरली आपको देखने को मिलेगा पहली पारी में पेसर्स ने डोमिनेट किया है, 44 विकेट्स हैं, दूसरी पारी के अंदर मात्र 19 विकेट है। राइट आर्म पेसर 49, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 14 विकेट है, स्पिनर्स के 33 विकेट है, पहली पारी में 17, दूसरी पारी के अंदर 16, ऑफ स्पिनर्स का 9, लेग स्पिनर्स का 9, चाइनामैन का 2, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 13 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अलग अलग 4 पिचेस के ऊपर। इस वर्ल्ड कप में स्वेन्यू पे 4 मैचेस हुए हैं। पहले आप देखो साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ था, वो पिच कैसी थी। ये पिच ऐसी थी, इस पे स्क्वायर बाउंड्री 71 मीटर्स, सामने की बाउंड्री 71 थी, स्क्वायर यहाँ पे 65 और 68 मीटर्स थी, लगभग बीच वाली पिच थी ये। और आप देखेंगे पिच पे ज़्यादा ग्रास नहीं थी लास्ट टाइम जब मैच हुआ था, बहुत अच्छा सरफेस था फॉर द बैटर्स। ये देखो आप, ऐसी पिच थी लास्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच हुआ, और सेकंड इनिंग्स में पिच ऐसी दिखी थी अंडर द लाइट्स, और अच्छी हो जाती है पिच, स्किड करके बॉल आती है। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में पिच पे ज़्यादा ग्रास नहीं थी, हल्की सी ग्रास थी जो पिच को होल्ड करके रख रही थी। विल्ली का स्पेल बहुत अच्छा था, वोक्स ने भी वहाँ पे विकेट्स निकाले थे, वार्नर को आउट किया था, अपने मैच देखा और रन भी बनाए थे। और ये पिच अट अहमदाबाद इंडिया पाकिस्तान की गेम में ऐसी थी, ड्राई सरफेस था उस टाइम पे। और ये पहला जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड का, तब पिच ऐसी थी जिसमें स्क्वायर बाउंड्रीज 71-67 और सामने की 72 मीटर थी। अब मैं आपको स्विंग की बात करूंगा। इस वेन्यू पे इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे कम स्विंग हुआ है पावर प्ले के में, देखो आप 0.76 डिग्री, और अलग अलग वेन्यूज के ऊपर ज़्यादा स्विंग हुआ है। ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि हमने IPL में देखा है अहमदाबाद स्टेडियम पे बॉल स्विंग होती है, बट इस पता नहीं वर्ल्ड कप में क्या हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का कैच परसेंटेज थोड़ा सा खराब रहा है, इंडिया का कैच परसेंटेज बहुत अच्छा है 85, और ऑस्ट्रेलिया का 75% कैच रेशियो है। बट इन्होंने जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा ना, बहुत अच्छी फील्डिंग करी है। अभी इनका सेमीफाइनल नंबर 2 आता साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें क्या फील्डिंग करी थी ऑस्ट्रेलिया ने, इवन साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी। स्पिन की बात करें अहमदाबाद के ऊपर 2.9 डिग्री एवरेज टर्न देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा कोलकाता पे, फिर हैदराबाद पे, फिर अहमदाबाद, तीसरा वेन्यू है। एवरेज वर्सेस शॉर्ट बॉल इस वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट शॉर्ट बॉल 31 की औसत है, टीम इंडिया की 53 की औसत है। ये स्टेडियम का व्यू है, स्पेशल पिचरी बोट है, साबरमती नदी पीछे बहती है ये स्टेडियम, और ये पूरा भारत या पूरा विश्व है इस इतिहास को गवाह बनता हुआ देखेगा। ये बेहतरीन मैच है, रंगीन शाम होगी ये देखें आप।
ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कैसे लगी मेरे को कमेंट करके बताना। चैनल पे न्यू भाई सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, चैनल पे न्यू तो बस वही कहूँगा सब्सक्राइब कर लेना।